बलरामपुर जिला मुख्यालय के बजाय उतरोला तहसील मुख्यालय पर स्टाम्प बिक्री करने की मांग को जिले के अधिकारियों के नाम मानने से मजबूर होकर अधिवक्ता संघ उतरोला का मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई, जिसके चलते रजिस्ट्री दफ्तर में एक ही बैनामा नहीं हुआ। अधिवक्ता संघ उतरोला के अध्यक्ष लकी खान ने जिले के आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उतरोला तहसील मुख्यालय के बजाय स्टाम्प विक्रेताओं को नाजायज परेशान किया जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है, जबकि अधिवक्ता संघ महामंत्री राकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ राजन श्रीवास्तव ने जिला स्तर के अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद अधिवक्ता संघ की मांग की गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते अधिवक्ता संघ को विवश होकर हड़ताल करना पड़ा और रजिस्ट्री दफ्तर में मंगलवार को एक भी बेनामा नहीं हुआ। उतरोला से मोहम्मद वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। महामंत्री अधिवक्ता संघ उतरोला जिले के आला अधिकारियों की हठधर्मता के चलते आज अधिवक्ता संघ को बाध्य होना पड़ा इस आंदोलन के लिए। स्टाम्प की किल्लत को लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, स्थानीय से जिला प्रशासन तक सबको अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस किल्लत को दूर करने का कोई प्रयास अपने स्तर से नहीं किया गया। 4 अगस्त को हम लोगों ने एक पत्र अपर जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर को सौंपा था कि स्टाम्प का वितरण उप कोषागार उतरोला से कराया जाए, लेकिन 4 अगस्त को सौंपे गए पत्र का कोई भी संज्ञान न हम लोगों को ये जानकारी दी गई कि इस बारे में क्या व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। हम मजबूर हैं कि हमें स्टाम्प लेने के लिए बलरामपुर तुलसीपुर जाना पड़ रहा है, 2-2% कमीशन देकर हम स्टाम्प लाते हैं और यहाँ जो आम नागरिक है उसको 7% से लेकर 10% तक स्टाम्प की बिक्री की जा रही है। सबसे ज़्यादा आय देने वाला तहसील उतरोला के साथ जिला प्रशासन का ये उपेक्षा पूर्ण कार्य हमें आंदोलन के लिए बाधित किया है और हम जब तक कोई व्यवस्था सुचारू रूप से स्टाम्प की यहाँ नहीं कर दी जाती है तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा और इसके लिए जिला प्रशासन से हम आर पार की लड़ाई का लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की तो ये आंदोलन निरंतर लगातार अब बृहद और बहुत बड़ा रूप ले सकता है। ये मैं जिला प्रशासन को अपनी बातों से अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी भी कार को अगर देखा जाए तो समय रहते अगर कदम उठाया जाता तो आज हम लोग आंदोलन के लिए बात नहीं। अधिवक्ता संघ उतरोला स्थानीय प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण रजिस्ट्री दफ्तर प्रकरण पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। स्टाम्प की कमी, स्टाम्प विक्रेताओं का उत्पीड़न, बलरामपुर तक उनका जाना, पैसा लेके जा रहे हैं रास्ते में मार दिए जाएं तो अब एक परिवार अपना मुखिया खो देगा। एक दिन जाते हैं स्टाम्प वहाँ स्टेट बैंक में जमा करते हैं नगद पैसा, दूसरे दिन उनको स्टाम्प मिलता है, जिससे यहाँ की किल्लत आ जाती है। तो हमारी शासन प्रशासन से मांग है उतरोला में स्टाम्प वितरण की व्यवस्था कराई जाए और इसी बात को लेकर अधिवक्ता संघ उतरोला आंदोलन कर रहा है और ये मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा, रजिस्ट्री कार्य बाधित रहेगा, क्योंकि उतरोला सबसे पुरानी तहसील है इस पूरे मंडल में। 1875 में इसकी स्थापना हुई, इससे कट के मनकापुर बना, इससे कट के तुलसीपुर बना, इससे इतनी बड़ी तहसील थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको बड़ी सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन धीरे धीरे न जाने क्यों किन राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत उतरोला का सिकोड़ता चला गया उतरोला की भौगोलिक स्थिति को और आज उतरोला के अधिवक्ताओं को बाध्य कर दिया गया है कि वो जन सामान के मुद्दे को लेकर आंदोलन करें और हमारी मांग है कि स्टाम्प का वितरण जब तक उतरोला से या कोई सुचारू व्यवस्था नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता है।